हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ये कॉर्नर टू कॉर्नर पैटर्न बना के दिखा रही हूँ। इस कॉर्नर से हमने शुरू की थी और उसके बाद बढ़ गया था। ये ब्लॉक टू ब्लॉक बनता है, ब्लॉक बना बना के ये जोड़ना होता है। तो यहाँ एक या दो तीन चार ऐसे बढ़ता रहेगा, फिर यहाँ से हमने घटाना शुरू किया इसको। तो अब मैं ये छोटा बना के दिखा रही हूँ सैम्पल के तौर पर। एक इससे भी छोटा मैंने बना रखा है ऐसे, इसी तरह से। पर आप इसको कितना ही बड़ा बना सकते हैं, इसको इससे कुशन बना सकते हैं, बच्चों के लिए ब्लैंकेट बना सकते हैं और आसन बना सकते हैं इस पैटर्न से। तो बहुत ही अच्छे सुंदर है ये पैटर्न और बहुत ही घुटा हुआ गफ ऐसे थिक बनता है ये ऐसे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और यहाँ सिक्स चेन बनाएंगे। वन टू थ्री, थ्री बना के यहाँ अंगूठा रखेंगे। वन टू थ्री, फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, मतलब फोर्थ में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिफ्थ और सिक्स्थ में, मतलब तीन डबल क्रोशिया बनाया और ये तीन चेन लिया। तीन चेन लेके उसके बाद तीन बार डबल क्रोशिया बनाया। तो ये हमारा पहला ब्लॉक है। हमारा ऐसे ब्लॉक ब्लॉक बनता रहेगा, जैसे ये एक है पहला, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे बनता रहेगा कुछ इस तरह से। एक मैंने छोटा बना रखा है, उसके बाद इसे टर्न करना है ऐसे। छह चेन फिर बनाएंगे। वन टू थ्री, यहाँ थंब रखा, दो, ये तीन, इस तरह से। अब ये नीचे वाले को ऐसे ऐसे घुमाना है, जैसे ये ऐसे था ना ऐसे, तो हमें नीचे वाले को ऐसे जोड़ना है। नीचे वाले से इस तरह से था, ऐसे घुमा के ये जो पहला जो तीन चेन था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से बनेगा। स्लिप स्टिच करके तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन, ऐसे। तो ये बना हमारा, ये हमारा दूसरा लाइन बना। अब ये ऐसे फिर घूमेंगे ऐसे। अब हम दो दो राउंड एक कलर में बना रहे हैं। अब हम कलर चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे एक चेन लेके कट कर लेते हैं धागे को। अब यहाँ पे हम दूसरा धागा जोड़ेंगे। यहाँ पे फिर से सिक्स चेन ले लेना है। वन टू थ्री, यहाँ पे थंब रखना है, फिर वन टू थ्री, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। अब दो तीन राउंड होने के बाद फिर समझ में आने लगेगा, थोड़ा शुरू में कंफ्यूजन लगता है। ऐसे इस तरह से बढ़ रहा है हमारा। अब ये जो है, ये जो लूप है यहाँ डाल के एक स्लिप स्टिच करनी है। ये जो तीन चेन हमारा आ रहा है, यह तीन चेन लेनी है, फिर यहाँ पे जो तीन चेन है ये यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन, ऐसे। फिर ये वाला जो है तीन चेन, ये अलग से ही नज़र आएगा, जैसे तीन डबल क्रोशिया जुड़ा हुआ है, ये तीन चेन अलग से नज़र आता है। फिर यहाँ जाके ऐसे ऐसे जॉइन होगा, ब्लॉक है तो एक स्लिप स्टिच करनी है, फिर तीन चेन, एक दो तीन, फिर यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, एक दो और तीन, ये हमारा थर्ड राउंड हुआ। ऐसे ऐसे फिर पलटेंगे ऐसे,
फिर से सिक्स चेन, राउंड के शुरू में हम सिक्स चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन बना के यहाँ पे थंब रखा, फिर एक दो तीन, फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाया, एक दो तीन। अब ये जो है तीन डबल क्रोशिया और तीन चेन, ये जो लिया था हमने, तो यहाँ ये अलग से गैप सा ऐसा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे डाल के पहले तो स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक दो तीन, फिर यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर ये ऐसे जुड़ेगा फिर से, फिर ये वाला जो तीन चेन है यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच किया, फिर एक दो तीन, फिर यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन ऐसे, फिर ये वाला जो है ये तीन चेन शुरू में लिया था, फिर यहाँ पे ज्वाइन होगा, पहले एक स्लिप स्टिच, फिर तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, तीन चेन लेके फिर तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन, ऐसे तो इस तरह से बढ़ता रहेगा। सबसे पहले ये हमारा एक एक है यहाँ ब्लॉक, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार है, अब पाँच होगा, तो दो दो राउंड बना रहे हैं हम एक कलर का, तो अब ये चेन लेके इसको कट कर लेंगे, पे शुरू करेंगे दूसरा कलर। अब ये दूसरा कलर ज्वाइन करके सिक्स चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, यहाँ थंब रखा, वन टू थ्री, फिर यहाँ पे डाल के फोर्थ में डाल के एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया नेक्स्ट में, फिर तीसरा डबल क्रोशिया, ये तो चार बार हो गया, तीन चेन और तीन डबल क्रोशिया। इसको ऐसे जोड़ना है यहाँ पे, ये जो तीन चेन यहाँ आ रहा है, यहाँ पे पहले स्लिप स्टिच करनी है, फिर तीन बार चेन और तीन डबल क्रोशिया। सबसे पहले जब राउंड शुरू करेंगे तब हम छः डबल क्रोशिया, ये छः चेन लेंगे और तीन चेन छोड़ के फोर्थ में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, और हर एक बार ये बीच में हम तीन बार चेन लेके फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये तीन, ऐसे। फिर ये वाला जो लूप है ये यहाँ डाल के, ये जो तीन डबल क्रोशिया, ये तीन चेन लेते हैं हम यहाँ पे डाल के, ये स्लिप स्टिच किया, फिर तीन चेन बनाया, फिर यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, फिर ये वाला जो लूप है यहाँ पे जो तीन चेन आ रही है, ये जो अलग से ये हो रहा है, ये तीन डबल क्रोशिया एक साथ देखिए जुड़ा हुआ है, ये अलग से है, तो यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन, बार बार मैं तीन डबल क्रोशिया बोल रही हूँ, तीन चेन लेके तीन डबल क्रोशिया, और फिर इसके बाद ये जो है चेन यहाँ पे, यहाँ एक स्लिप स्टिच करा पहले, फिर तीन चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, ऐसे रिटर्न किया। अब
छह बार बनाएंगे चेन, 1 2 3, यहाँ थम रखा, 1 2 3, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और ये तीन डबल क्रोशिया। अब ये जो पहला चेन है, ये तीन जो चेन लिया था इसमें डाल के एक पहले जो स्लिप स्टिच करेंगे, देखिए ये ऐसे इस तरह से जुड़ जाता है, फिर तीन चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर यहाँ जोड़ा, ये वाला जो तीन चेन आ रहा है इसमें स्लिप स्टिच किया, यहाँ जोड़ा, ये जो तीन चेन आ रहा है ये यहाँ पे पहले स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे, फिर तीन चेन, फिर यहीं पे डाल के तीन डबल क्रोशिया, सिक्स चेन, 1 2 3, यहाँ थम रखा, 1 2 3, फिर यहाँ डबल क्रोशिया, यहाँ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया बना लिया। तीन चेन लेने के बाद इस तरह से अब ये वाला जो है, ये जो यहाँ पे तीन चेन आ रही है, ये वाला यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच करके, फिर यहाँ तीन चेन और तीन डबल क्रोशिया। ऐसे अब यहाँ लास्ट तक आ गए। अब ये जो तीन चेन है यहाँ पे पहले स्लिप स्टिच करनी है, फिर तीन चेन लेना है और तीन डबल क्रोशिया। सबसे पहले और यहाँ और यहाँ जो है, हम जब शुरू करेंगे जब इस तरफ से और इस तरफ से, तब हम छह चेन लेंगे, तीन छोड़ के फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक राउंड में। पर बीच में जब हम बनाएंगे ये, तो तीन चेन बनाएंगे और उसके बाद तीन डबल क्रोशिया। ऐसे इसको टर्न किया। अब यहाँ पे छह चेन, पहले तीन, 1 2 3, यहाँ पे थम रखा ऐसे, फिर 1 2 3, एक दो तीन। अब यहाँ पे ये तीन चेन है ऐसे, यहाँ पे पहले स्लिप स्टिच किया, फिर तीन चेन बनाया, 1 2 3। अब यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया, 1 2 3, ऐसे फिर इसको ऐसे इसके साथ जोड़ना है। यहाँ पे जो तीन चेन आ रहा है ये वाला, यहाँ पे स्लिप स्टिच करनी है, फिर 1 2 3,
फिर यहीं पे डाल के 3 डबल क्रोशिया, एक दो तीन, ये लास्ट में अब आ गए हम। अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करके 3 चेन 2 3 और यहीं पे 3 डबल क्रोशिया, एक दो तीन। अब एक चेन लेके कट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 लाइन और बना लेते हैं। अब इस कलर को जोड़ लिया हमने, एक स्लिप स्टिच कर लिया पहले जोड़ के, फिर 6 चेन, 1 2 3, यहाँ पे अंगूठा रखा, 1 2 3, फिर यहीं डाल के 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। तो 3 चेन के बाद हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब इसमें ज्वाइन करेंगे, ये 3 चेन है, ऐसा स्लिप स्टिच कर लेंगे यहाँ पे, फिर 3 चेन लेंगे यहीं पे, 1 2 3, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो यहाँ पे फिर ज्वाइन करेंगे, ये चेन आ रहा है, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लिया, 1 2 3, यहीं डाल के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को पूरा करते हैं। अब टर्न करके फिर 6 चेन ले बनाते हैं, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हैं, 3 चेन 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ कॉर्नर में आ गए, यहाँ पे स्लिप स्टिच करके 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको घटाएंगे, अभी जैसे हम बढ़ा रहे थे अब हम घटाएंगे। अब जैसे हम धागे को यहाँ से जोड़ रहे थे 2 राउंड के बाद, एक कलर को 2 राउंड में यूज़ कर रहे थे हम, धागे को यहाँ से जोड़ रहे थे, अब हम धागे को यहाँ जोड़ेंगे यहाँ पे, ये 3 चेन है इसके ऊपर, यहाँ धागे को जोड़ के फिर 3 चेन बनाना है, क्योंकि अब हमें 6 नहीं बनानी है, अब हमें बढ़ाना नहीं है, जो 6 हम बना रहे थे शुरुआत में और 3 छोड़ के 3 फिर बना रहे थे डबल क्रोशिया, वो नहीं करना है, अब हमें बीच का करना है। तो हमें 3 चेन लेना है और फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1, इस धागे को भी इसके अंदर ही ले लेंगे, 2 और ये 3, इस तरह से। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करनी है,
फिर तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया, अब यहाँ लास्ट तक आ गए हैं। यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे पर इसको हम बनाएंगे नहीं, टर्न कर लेंगे। टर्न करते हुए, टर्न करके स्लिप स्टिच करके यहाँ आ जाएंगे हम, मतलब इसको हमें एक दो तीन और ये जो चेन है यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ तीन चेन लेके फिर यहाँ तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे क्योंकि हम अब घटा रहे हैं ऐसे, बाकी ये अंदर बीच का वैसे ही होगा जैसे हम पहले बना रहे थे, बस यहाँ जैसे बढ़ा रहे थे हम इसको, यहाँ से घटा रहे हैं। स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लिया, तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया। तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया। इस तरह से राउंड को पूरा करते हैं। अब ये लास्ट में आ गए राउंड के, यहाँ तीन चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच कर ली है और फिर ऐसे टर्न करना है, फिर स्लिप स्टिच करते हुए हमें यहाँ तक आ जाना है। देखिए ये जो है यहाँ से हमने घटाना शुरू किया था, उससे पहले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस था, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अब सात होगा, फिर छः होगा, पाँच होगा, ऐसे करके जैसे एक में लास्ट में एक में आ जाए। यहाँ पे एक चेन लेके इसको कट कर देते हैं, यहाँ से दूसरा धागा जोड़ेंगे हम और यहाँ तीन डबल, तीन चेन लिया, अब यहीं पे तीन डबल क्रोशिया, इन दो धागों को बीच में रख लेंगे, ये इस तीन चेन में ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच किया, फिर तीन चेन, फिर यहाँ पे ये जो है यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया। यहाँ स्लिप स्टिच किया, तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया। ये लास्ट तक आ गए हम, ये तीन चेन जो है ये वाला यहाँ पे स्लिप स्टिच करके और फिर ये टर्न कर लेना है। अब यहाँ तक स्लिप स्टिच करते हुए हमें आना है, एक दो तीन, और ये यहाँ पे ये तीन चेन है इसके अंदर, उसके बाद फिर यहाँ तीन चेन लेना है और यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया। इसको ज्वाइन करना है यहाँ पे, फिर तीन चेन लेना है, तीन डबल क्रोशिया, फिर ज्वाइन करना है, फिर तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया, ऐसे करते करते आते हैं। अभी लास्ट तक आ गए, अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करके अब एक चेन लेके यहाँ कट कर लेंगे,
दूसरा कलर का धागा जोड़ा है हमने, स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको। फिर यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे, फिर यहाँ डाल के तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे, फिर तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया, यहाँ स्लिप स्टिच, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर यहाँ स्लिप स्टिच, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर यहाँ स्लिप स्टिच। यहाँ लास्ट तक आ गए, यहाँ पे स्लिप स्टिच करके फिर ऐसे टर्न करके यहाँ तक स्लिप स्टिच करके आना है हमें। यहाँ तक आ गए, अब यहाँ पे तीन चेन लेके यहाँ तीन डबल क्रोशिया, यहाँ स्लिप स्टिच, तीन डबल क्रोशिया, आ जाते हैं यहाँ तक, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब देखिए चौकोर होता जा रहा है हमारा, यहाँ से ऐसे हमने शुरू किया था वैसे आप ख़त्म कर रहे हैं ऐसे, पर अब चौकोर का शेप ये ले रहा है। अब टर्न करके यहाँ तक आ जाते हैं स्लिप स्टिच करते हुए, फिर धागा चेंज करते हैं। ज्वाइन कर लिया, स्लिप स्टिच कर लिया ज्वाइन करके, तीन चेन और यहाँ तीन डबल क्रोशिया। यहाँ पे स्लिप स्टिच, तीन डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच। अब टर्न करके यहाँ तक आ जाते हैं। अब हमारा लास्ट का एक रह रहा है कॉर्नर का, ये धागा हमने जोड़ लिया और एक स्लिप स्टिच कर लेंगे, तीन चेन लेंगे और यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया। तीन चेन लेके तीन डबल क्रोशिया बनाया और इसको ये जो है हमारा इस कॉर्नर में जो ये तीन चेन आ रहा है यहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेना है। ये हमने यहाँ से शुरू किया था, ये ऐसे करते हुए और ऐसे इसको फिनिश किया। और देखिए जैसे चौकोर है ये। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।